तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्लेन लेग्यू 1 से हम स्टोन लेग्यू 3 में आएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट अटैक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आराम से 3 स्टार निकालने वाले हैं। आसानी से बिल्डर होल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। फाइनली 2 स्टार तो आ ही गए हैं और हमारे पास टाइम भी है, तो आराम से हम 3 स्टार कर ही लेंगे। फाइनली हमने 3 स्टार गेन कर ही लिए, जिसमें हमको 40 ट्रॉफीज मिल गई। अब हमें सिर्फ 2 ही ट्रॉफीज चाहिए, जिससे हम आराम से स्टोन लेग्यू 3 में आ जाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट अटैक के ऊपर पढ़ते हैं। अब ये वाला भी बेस थोड़ा हार्ड था, क्योंकि एयर डिफेंस खुला था और ऊपर से जो आर्चर टावर था वो भी उस तरफ स्ट्रॉन्गली बेस था, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया अपना अटैकर को, ग्राउंड लेवल पे रख दिया। जेंट को हम अब सीधा एयर डिफेंस के ऊपर ही डाल देंगे, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाकी के जो मिनियंस बचे हैं उसको अपने आर्चर टावर के सामने रख देंगे, जिससे आर्चर टावर एयर डिफेंस वाला होता है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हम आसानी से जीत पाएंगे। फाइनली इसमें भी हम टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आराम से 2 स्टार ले लेते हैं। अब तीसरा स्टार भी आराम से आ जाएगा। फाइनली हमको 3 स्टार मिले गए। अब चलो देखते हैं इसमें कितने ट्रॉफीज। चलो 40 ट्रॉफीज मिल जाती है। तो फाइनली अब हम क्ले स्टोन लेग्यू में 4-5 में आ जाते हैं। अब देखते हैं, हमको इसमें कुछ रिवॉर्ड भी मिला है, जिसके 100 जेम्स मिल गए। चलो अच्छी बात है।